भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त दो देशों का दौरा कर रही है। एक टीम इंग्लैंड दौरे पर है, जो वहां पर इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इस टीम के कप्तान विराट कोहली है और टीम के कोच रवि शास्त्री है। वहीं दूसरी ओर एक और टीम बनाई गई है, जो श्रीलंका दौरे पर गई है। ये टीम श्रीलंका के साथ 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने जा रही है। इस टीम के कप्तान शिखर धवन है और उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार को बनाया गया है। इस टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ हैं। श्रीलंका के साथ सीरीज जुलाई में ही है, वहीं इंग्लैंड के साथ सीरीज अगस्त और सितंबर में होगी। श्रीलंका आज आने वाली टीम में ज्यादातर युवा और IPL के स्टार खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं इंग्लैंड दौरे पर सभी बड़े नामों वाली भारतीय टीम गई हुई है। अब इस बीच बड़ी खबर ये है कि रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच हो सकते हैं। ये बात भी शुरू हो गई है। ये बात किसने कही है और क्यों कही है, आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। रवि शास्त्री का कोच पद का कार्यकाल खत्म होने को है। इसके बाद भारतीय टीम का अगला कोच कौन होगा, ये सवाल भी उठने लगे हैं। अब भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी रतिंदर सिंह सोढ़ी ने कहा है कि राहुल द्रविड़ ही टीम इंडिया के अगले कोच हो सकते हैं। पूर्व ऑलराउंडर रतिंदर सिंह सोढ़ी ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि अभी राहुल द्रविड़ कोच बनकर श्रीलंका दौरे पर गए जरूर हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति स्थायी नहीं है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि राहुल द्रविड़ अगले हेड कोच हो सकते हैं। रवि शास्त्री का कार्यकाल इसी साल के आखिर में खत्म होना है। अगर इसे बढ़ाया नहीं गया तो फिर कोच के लिए सबसे बेहतर नाम राहुल द्रविड़ का ही होगा। इसके साथ रतिंदर सिंह सोढ़ी ने ये भी कहा कि रवि शास्त्री ने बतौर कोच अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ का श्रीलंका जाना इसी बात का संकेत लग रहा है कि वो अगले कोच के लिए सबसे आगे है। राहुल द्रविड़ इस वक्त NCA यानी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष हैं और आज की तारीख में जो भी युवा खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं, उन्हें राहुल द्रविड़ ही तैयार कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ इससे पहले अंडर-19 टीम के कोच भी रहे हैं, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया था। बड़ी बात ये भी है कि इस वक्त BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। राहुल द्रविड़ सालों तक सौरभ गांगुली की कप्तानी में खेले हैं। इसके बाद जब सौरभ गांगुली को हटाकर राहुल द्रविड़ को कप्तान बनाया गया, तो गांगुली द्रविड़ की कप्तानी में खेले हैं। दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को कई मैचों में जीत भी दिलाई है और दोनों भारत के महान खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, लेकिन आपको फिर याद दिला दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हर अपडेट न्यूज पर मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।